जैसा कि आपको ज्ञात है कि UGC NTA NET 2020 की डेट्स रिवील्ड हो चुकी हैं, हजारों विद्यार्थी इससे संतुष्ट नहीं हैं। वहीं साथ ही NIT JEE एग्जाम की अधिसूचना जारी होने से विद्यार्थियों में खलबली की स्थिति व्याप्त है। सोशल मीडिया और ट्विटर वार की स्थिति गंभीर है। इसी के साथ UGC NET अभ्यर्थियों ने सेप्टेम्बर में घोषित परीक्षा तिथियों के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। NTA डायरेक्टर, UGC डायरेक्टर, इवनली प्राइम मिनिस्टर, HRD मिनिस्ट्री के पास अपनी बुलंद आवाज पहुंचानी शुरू कर दी है। कैरी मिनाटी जैसे बिग यूट्यूबर्स ने भी विद्यार्थियों का पक्ष लिया है। जानिए क्या है विरोध की खास बड़े कारण। नंबर 1, कोरोना संक्रमण अपने पीक पर। अभी जैसा कि हम जानते हैं कि लाखों लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मान लें अगर इसमें से हजारों की संख्या में संक्रमित परीक्षार्थी अगर परीक्षा में अपीयर होंगे तो अनुमान लगाना कठिन है कि ये स्थिति कितना विस्फोटक रूप अख्तियार कर सकती है। नंबर 2, परीक्षा सेंटरों का सीमित होना। नेट JRF एग्जाम दो शेड्यूल में है, फर्स्ट वन 16 से 18 सितंबर, सेकंड 21 से 25 सितंबर। अगर कोई कोरोना संक्रमित इन परीक्षा तिथियों में परीक्षा देता है और बाद में अगर उसे डॉक्टरी जांच से ये कंफर्म होता है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो चुका है तो ये समझ पाना मुश्किल है कि लाखों छात्रों की जिंदगी पर सवालिया निशान लग सकता है। और अगर सेंटर सीज हो गया तो आगे की परीक्षा की व्यवस्था की क्या रूपरेखा बनेगी इसको बता पाना मुश्किल है। थर्ड, प्रवास आगमन की स्थिति भयावह विकट। लॉकडाउन की स्थिति में हजारों की संख्या में लोगों ने पलायन किया, अब उनके आगमन की स्थिति काफी मुश्किल है। कहीं बाढ़, कहीं लॉकडाउन या कहीं कर्फ्यू की स्थिति व्याप्त है। किसी के घर पे कोई खुद कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध या उसके पेरेंट्स कोरोना संक्रमित या संदिग्ध है तो ऐसी स्थिति में एग्जाम में स्टूडेंट का टाइमली अपीयर होना बहुत मुश्किल रहेगा। नंबर 4, डर और अव्यवस्था का माहौल व्याप्त। जैसा कि हम जानते हैं पिछले दिनों BEd एंट्रेंस और BEO एग्जाम कंडक्ट हुए, वहां पर शारीरिक दूरी की धज्जियां उड़ी। दूसरी तरफ कोई भी एग्जाम कंडक्ट होने के महीना, डेढ़ महीना, दो महीना पहले सूचना जारी होती है तो अचानक 25 दिनों में ये कब और कैसे मैनेज हो पाएगा ये बता पाना बहुत मुश्किल है। विद्यार्थियों को डर है कि JRF क्वालिफाई करना तो दूर, नेट पास करना भी मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ ऑल, आवागमन के सुचारू संसाधनों की उपलब्धता नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि नेट के और JRF की परीक्षा में प्रतिवर्ष 10 लाख से ऊपर विद्यार्थी अपीयर होते हैं। कहीं कहीं पर राज्य में इस समय प्राकृतिक आपदाओं ने तांडव मचा रखा है। छात्रों के आने जाने की कोई सुगम व्यवस्था नहीं है, ट्रेनों का संचालन बंद है, साथ ही लाखों छात्रों के साथ सफर करने की स्थिति से कोरोना के संक्रमण के भय में भी उसकी विस्फोटक स्थिति उत्पन्न होगी। खासकर महिलाएं, लड़कियां, विकलांग एवं गर्भवती महिलाएं इससे ज्यादा प्रभावित होंगे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। बात खत्म करने से पहले दो शब्द और कहना चाहूंगी कि कारण तो बहुत है लेकिन इसको एक ही वीडियो में समेट पाना मुश्किल है। और जैसा कि हाल की स्थिति में, परिस्थितियों में आपने देखा है कि जो जिस एग्जाम की अधिसूचना जारी हुई है वो एग्जाम भी कंडक्ट हुआ है तो फिलहाल जब तक कुछ कंफर्म ना हो 16 सितंबर की ऑथेंटिक एग्जाम डेट ही मानकर चलें, अपनी प्रिपरेशन बनाए रखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी आवाज़ पहुँचे। और ऐसी एजुकेशनल अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को लगातार विजिट करते रहें, इसके लिए इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं फिर एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय, टेक केयर टू ऑल।